गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। गुड़िया लिटिल गार्डन में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और वीडियो लास्ट तक देखें, पूरा देखें। ये देखिए, ये मेरा कोलियस है। आज मैं जिस वीडियो के बारे में बात करना चाहती हूँ, जिस प्लांट के बारे में, वो है ये देखिए। इसकी हालत आप देख रहे कितनी बुरी हो चुकी है। ये है पेंटास। बारिश हमारे यहाँ इतनी हो रही है कि रुकने के नाम नहीं ले रही। अभी बारिश रुकी है, अभी नहीं हो रही है, तो इसलिए मैं सोची वीडियो बना लेती हूँ। देखिए ये पेंटास है, ये तो मेरा प्लांट पूरा ख़राब ही हो चुका है। ख़राब होने लगा था तो मैंने क्या किया, इसकी कटिंग कुछ लेकर मैं लगा ली, तो वो तो कटिंग लग चुकी है, पर ये प्लांट को मुझे नहीं लग रहा मैं बचा पाऊँगी। इसकी गुड़ाई कर कर मैं देखूँगी, यहाँ पे हल्दी पाउडर और फंगीसाइड कर दूँगी। इसकी मिट्टी तो इतनी गीली है, देखिए बहुत गीली है, भुरभुरी मिट्टी है, पर गीली इतनी है कि धूप ही नहीं हो रही है, सूखने का नाम ही नहीं ले रही मिट्टी। आज 8-10 दिन हो चुके हैं मैं कोई भी प्लांट में पानी नहीं दी, क्योंकि बारिश इतनी हो रही है कि पानी देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ख़राब लगता है जब हमारा कोई भी प्लांट ख़राब हो जाता है, बहुत दुख होती है। तो मैं इसकी कटिंग आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है पेंटास की कटिंग। इसलिए हमें हर पौधे की कटिंग लगानी चाहिए, बराबर कटिंग लगानी चाहिए, क्योंकि हमें भी पता नहीं होता कि कब हमारे प्लांट ख़राब हो जाएंगे, कब मतलब ख़राब होंगे या नहीं होंगे। फिर भी हमें ट्राई करते रहना चाहिए कटिंग लगा लगा कर। एक तो कटिंग लग जाने से भी खुशी होती है और फिर हमारा प्लांट भी बच जाता है, तो बहुत खुशी होती है। ये देखिए, एक प्लांट ख़राब हुआ तो कोई बात नहीं, पर दुख तो हुई, पर प्लांट तो और एक नई तैयार हो गई है, पर इसकी मदर जो थी वो तो ख़राब हो रही है। पर कोई बात नहीं, ये बेबी प्लांट है, ये धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी। और देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत फूल भी खिले हैं। ये देखिए, बारिश होती है तो हमारा प्लांट बहुत खुशी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। ये देखिए बटन रोज भी बहुत अच्छी तरह से खिल रहे हैं। और ये तो हिबिस्कस कल खिले थे। सूखे हुए फूलों को इस तरह से आप हटा दें या फिर बारिश में फंगस लगने का बहुत डर होता है। जैसे कि आपने देखा मेरा प्लांट में, पेंटास के प्लांट में लग चुके हैं। ये देखिए, ये और एक पेंटास की कटिंग, ये देख रहे, ये देखिए। इसलिए दोस्तों, हमें कटिंग हमेशा लगाते रहना चाहिए। जैसे कि ये आप देखिए, ये भी पेंटास की कटिंग है। दुख तो हो रही है, अगर आपके पास छोटी जगह है, अगर कोई भी एक प्लांट मर जाए तो बहुत दुख होती है। ये देखिए, यहाँ भी लग चुकी है और फूल तो बहुत अच्छी तरह से खिल रहे हैं। ये देखिए, यहाँ भी है बहुत सारी, देख रहे, ये देखिए। अगर छोटी जगह में भी फूल खिलते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए, बहुत सारे फूल खिले हैं। और एक मैं दिखा रही हूँ, ये दूसरी बार खिली है। एक बार जब खिली थी तो उसकी कलियाँ गिर गई थी, मतलब आधा खिली थी और आधा नहीं खिली थी। देखिए कितने प्यारे लग रहे। ये प्लांट भी मैं कटिंग से लगाई हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। फ्रेंड्स प्लीज़, रिक्वेस्ट है जो न्यू फ्रेंड्स है मेरे, वो वीडियो देख रहे, उसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखते हैं। और देखिए रोज़ में अच्छी ग्रोथ हो रही है, नई नई कलियाँ भी आ रहे। आज तो धूप हो रही है, देखती हूँ इसे मैं यहाँ पर हल्दी पाउडर देकर, और फिर ये जो ख़राब ख़राब हो चुके हैं उसको कट कर कर हटा कर इस साइड में फंगीसाइड पाउडर लगा देती हूँ। ये काम मैं अभी ही कर देती हूँ, नहीं तो फिर देर हो जाएगी।
ओके फ्रेंड्स बाय। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ।